हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? बहुत उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक, खुशबाश और खैरियत से होंगे। स्किन कंडीशन जी आपके सामने है कि हमारी मॉडल की स्किन देखें कि इस वक्त कितनी ख़राब कंडीशन में है। यहाँ पर इनकी स्किन पर डिस्कलरेशन भी है, कॉम्प्लेक्शन भी थोड़ा सा डल है और इसके अलावा एक्नी मार्क भी हैं। तो इस तरह की चैलेंजिंग स्किन के ऊपर काम करते हुए अक्सर औकात जो है हमारे जो आर्टिस्ट होते हैं, जो हमारे बिगनर्स होते हैं, वो यही कंप्लेन कर रहे होते हैं कि बेस जो है वो कुछ टाइम बाद ग्रे पड़ जाता है। तो जी आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम इस तरह की चैलेंजिंग स्किन के ऊपर काम करते हुए किस मेथड के साथ काम करेंगे कि हमारी जो बेस है वो ग्रे ना हो। सबसे पहले मैंने यहाँ पर मोराल की स्टिक नंबर 508 उठाई है, जो कि हमारे पास ऑरेंज कलर करेक्टर है। आपके पास जो भी कलर करेक्टर अवेलेबल हो, जिस भी ब्रांड का, आप वो यूज़ कर सकते हैं। आपके पास एलिगल का प्रो कंसीलर हो इन द शेड ऑफ ऑरेंज कलर करेक्टर, आप वो यूज़ करें। आपके पास क्रिस्टीन है, आपके पास जो भी ब्रांड अवेलेबल है आप उसके साथ काम कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर मोराल की 508 है और ये हमारे पास ऑरेंज कलर करेक्टर। इससे अच्छे से हम जो है वो अपनी पूरी स्किन पर, क्योंकि हमें डार्कर टोन से फेयर की तरफ जाना है, तो इसकी एक लाइट सी कवरेज जो है, एक लाइट सा पिगमेंट मैं अपनी पूरी स्किन पर दूंगा, जिससे क्या है कि हमारी स्किन के ऊपर जो डिस्कलरेशन है, जो एक्नी मार्क वगैरह हैं, वो जब हमारे टोन अदर बेस के साथ मिक्स होगा ये ऑरेंज पिगमेंट, तो एक नेचुरल का टोन क्रिएट करेगा जिससे हमारी बेस जो है वो ग्रे नहीं होगी। अब मैंने 45 नंबर स्टिक मोराल ब्रांड ही की उठाई है और आज ही हम जो प्राइमरी बेस डन कर रहे हैं। अच्छा, प्राइमरी बेस और सेकेंडरी बेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है और क्यों होता है? प्राइमरी बेस आप जो है वो इस तरह समझ लें कि हम अपनी स्किन के ऊपर जो सेकेंडरी बेस यानी कि फाउंडेशन की एप्लीकेशन करने से पहले अपने बेस पर एक, अपने फेस पर एक हल्की सी कवरेज दे रहे होते हैं, ताकि हमारा बेस जो है वो ग्रे ना हो। सिंपल। और आप इसे पार्टी बेस भी कह सकते हैं कि हम पार्टी बेस बनाकर ब्राइडल की तरफ जाते हैं। वैसे ये कॉन्सेप्ट आजकल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी पर्सनली मुझे ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छा लगता है कि हम पहले अपनी स्किन पर थोड़ी सी कवरेज दे दें प्राइमरी बेस से, देन हम अपने फाउंडेशन की एप्लीकेशन करें, ताकि हमारा बेस जो है वो ऑटोमेटिकली हाई कवरेज हो जाए। अभी मैंने काशीज फाउंडेशन इन द शेड ऑफ वेलवेट स्किन 09 नंबर उठाया है और इसकी एप्लीकेशन जो है वो मैं फिंगर टिप से करूँगा। अच्छा, ब्लेंडिंग जो है वो आप अपने तरीके से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फिंगर टिप से, मैंने तमाम जो 508 है और 45 है वो भी मैंने हाथ की फिंगर टिप की हेल्प से लगाया है, और यहाँ पर जो काशीज़ का फाउंडेशन मैं उसे भी आपके सामने ही देखें कि किस तरह फिंगर टिप से ब्लेंड करते हुए मैं लगा रहा हूँ। तो हमारे हाथों में, हमारी फिंगर टिप्स में जो है वो एक नेचुरल टेम्परेचर होता है, एक नेचुरल मॉइस्चर होता है, जिससे हमारा बेस जो है वो स्किन में बहुत अच्छे से पेनिट्रेट हो जाता है, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। अब मैंने यहाँ पर जो है वो मिक्स कर कर तीन तरह के पाउडर जो है वो मिक्स किए हैं। एक इनमें लूज शाइनर है, एक इसमें लूज पाउडर है और एक इसमें कॉम्पैक्ट पाउडर है, जो कि काशीज ब्रांड का जो पिंक टोन वाला कॉम्पैक्ट आता है, वो मैंने इनको मिक्स कर कर पाउडर फॉर्म में बनाकर मैंने अपने पास सेव रखा है। क्योंकि पहले ही कॉन्सेप्ट होता था कि आप पहले कॉम्पैक्ट लगाएं, देन उसके ऊपर लूज़ पाउडर लगाएं, उसके ऊपर शाइनर लगाएं, तो मैंने इन सबको मिक्स कर कर अपने पास रखा है और मैं सिंपली इन्हें यूज़ कर लेता हूँ। और जी यहाँ पर हमारा बेस होता है डन, और कंटूर ब्रश और वगैरह और कंप्लीट ट्यूटोरियल भी मेरे चैनल पर मौजूद है। ये मेकअप लुक हमने किस तरह अचीव किया, इसको देखने के लिए आप मेरे चैनल पर विजिट करें और वीडियो, वहाँ पर आपको डिटेल वीडियो अगेन मिल जाएगी कि आप किस तरह से जो है वो इस तरह के लुक को अचीव कर सकते हैं। तो बहुत उम्मीद करता हूँ कि आप सबको जो है वो मेरी वीडियो पसंद आएगा। ऐसा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।